इजी लर्निंग अकाउंट्स। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। लास्ट वीडियो नंबर 104 में 34 में मैंने आपको बताया था कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का जो फॉर्मेट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, उसमें क्या क्या आइटम्स आते हैं और क्या क्या आइटम्स उसमें ऐड किए जाते हैं और क्या क्या डिडक्ट हो जाते हैं। 6 आइटम्स हमने ऐसे पढ़े थे जो हमारे हमेशा उसमें ऐड हो जाते हैं, और वो थे बेटा सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव एंड इंटरेस्ट रिसीव। और बेटा 3 आइटम मैंने आपको लेस वाले बताए थे, और वो थे बेटा हमारे परचेज ऑफ फिक्स एसेट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड परचेज ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। इस फॉर्मेट को करते हुए हमने सीखा था कि अगर आंसर हमारा प्लस में आ रहा है तो आंसर होगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और अगर वही आंसर माइनस में आएगा तो हम लिखेंगे कैश फ्लो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो मैंने उसको सीखने के लिए, उस फॉर्मेटिंग को न्यूमेरिकल में करने के लिए एक क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पे लिखा हुआ है। ये हमारा TS Grade 1 2020 पेज नंबर 5.95 का क्वेश्चन नंबर 25 है। देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इंफॉर्मेशन में बेटा हमें मशीनरी दी है, डेप्रिसिएशन दिया है, डेप्रिसिएशन और पेटेंट दिया है। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में उन्होंने हमसे बोला कि एक 90,000 की मशीनरी थी जिस पर एक्विटी डेप्रिसिएशन 60,000 था, उसको सोल्ड कर दिया 50,000 में, और उन्होंने बोला है कि पेटेंट है वो 50,000 रिटर्न ऑफ हो गए और अ पार्ट ऑफ पेटेंट वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 40,000। तो कल भी मैंने आपसे कहा था अगर कोई भी फिक्स एसेट्स में कुछ भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है तो हमें उसके लिए फॉर्मेट बनाना पड़ता है, अकाउंट बनाना पड़ता है, एंड आफ्टर प्रिपेयरिंग द अकाउंट वी पुट द वैल्यू इन द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। मैंने यहाँ पर 2 लिखा है बेटा और लिखा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। अब यहाँ पर क्योंकि मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखा रही हूँ आपको, और इसकी वर्किंग नोट मैं इधर आपको दिखाऊंगी। सबसे पहला अकाउंट जो हम बनाएंगे बेटा वो होगा हमारा मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट हमारा एसेट्स अकाउंट है, तो एसेट्स अकाउंट का हमेशा ओपनिंग बैलेंस आता है हमेशा डेबिट साइड, और बेटा क्लोजिंग बैलेंस आता है हमेशा क्रेडिट साइड। तो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है बेटा 9,50,000, और बेटा हमारा क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 10,00,000। इसकी क्लोजिंग कर लेंगे यहाँ पर, और रिमेनिंग जो भी चीजें हमें लगती है वो हम जगह पर पुट कर लेंगे। ड्यूरिंग द ईयर कॉस्टिंग 90,000 मशीन कॉस्टिंग, यहाँ पर मशीनरी कॉस्टिंग कह रहे हैं 90,000 विद एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60,000। तो 90,000 की चीज जिस पर एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन हुआ 60,000, तो 90 - 60 कितना हो गया बेटा 30,000, राइट। तो 30,000 की चीज हमने 50,000 में बेच दी। 30,000 की चीज 50 में बेचेंगे तो 20,000 का गेन हो जाएगा। तो टू गेन ऑन सेल कितना बेटा 20,000, राइट। और सेल कितने का हुआ है बेटा 50,000। तो बाई बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में दिखाएंगे सेल, वो कितने का बेटा 50,000। एट कॉस्ट के फॉर्मेट से बना रहे हैं, तो एट कॉस्ट पे हम दिखाते हैं एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो कि क्वेश्चन में दे रखा है हमें 60,000। इनको ऐड करेंगे बेटा और ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 11,10,000। 11,10,000 को बेटा हम डेबिट साइड ले आएंगे, और 11,10,000 में से 9,70,000 को माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1,40,000। ये जो बैलेंसिंग हुई है बेटा, इसको 2 बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में दिखाएंगे परचेज, और ये हो गई हमारी बैलेंसिंग फिगर, राइट। अब इसमें मैंने सोल्ड की वैल्यू आइडेंटिफाई कर ली और परचेज की मैं यहाँ पर शो कर देती हूँ। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, ये एड हो जाएगा कितना बेटा 50,000। यहाँ पर मैं दिखाऊंगी परचेज ऑफ मशीनरी,
और वो है हमारी 1,40,000 और ये आइटम हमेशा माइनस हो जाता है क्योंकि कैश हमें पे करना पड़ता है अगर हम कोई चीज खरीदते हैं। अगला अकाउंट जो मैं बताऊंगी बेटा वो है हमारा पेटेंट अकाउंट। ये भी हमारा इंटेंजिबल अकाउंट एसेट्स अकाउंट है। इसकी भी स्टार्टिंग में डेबिट साइड से करूंगी, टू बैलेंस बीडी और वैल्यू हो जाएगी हमारी 3 लाख। इसकी क्लोजिंग बैलेंस दिखाऊंगी बाई बैलेंस सीडी से और उसकी वैल्यू है 2,20,000। मैंने आपको लास्ट क्लास के फॉर्मेट में बताया था कि अगर कोई भी पेटेंट या कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स रिटर्न ऑफ हो जाते हैं तो उसको हम करेंट साइड पे दिखाते हैं। तो यहाँ पर कितने पेटेंट रिटर्न ऑफ हुए हैं बेटा 50,000 और सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 40,000। तो प्रॉफिट किधर की साइड आता है बेटा? प्रॉफिट हमेशा आता है हमारा डेबिट साइड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू गेन ऑन सेल और वो हो गया हमारा 40,000। बैलेंसिंग करेंगे बेटा 340 इधर ज्यादा दिख रहा है, 340 को ही हम इधर ले आएंगे और बैलेंसिंग की जगह केवल हमारी सोल्ड की बची है तो बाई बैंक अकाउंट में सोल्ड से बैलेंसिंग करेंगे। 2,70,000 में से 2,70,000 में से जब हम 3,40,000 को माइनस करेंगे, एक बार और देख लेते हैं, रिटर्न वैल्यू दे रखी है हमें 50,000 और यहाँ पर हमें दे रखी है 2,20,000। तो ये 20 नहीं बेटा 250 है, सॉरी तो 250 है बेटा। यहाँ पर 250 का एक बार मैं इसकी वैल्यू चेक कर लेती हूँ, हमारी वैल्यू कितनी दे रखी है पेटेंट में बेटा? हमारी पेटेंट में वैल्यू दे रखी है 2,00,000, सॉरी कितनी वैल्यू दे रखी है बेटा 2,00,000। इसको मैं ठीक कर लेती हूँ। तो ओपनिंग बैलेंस हमने 3,00,000 लिखा और हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया बेटा 2,00,000 और 2,00,000 लिखने के बाद बेटा 2,50,000 हमारा टोटल है और 340 से माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग होगी 90,000। तो हमारी सोल्ड की वैल्यू आ गई 90,000 और इस क्वेश्चन में कोई भी परचेज नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट, राइट? तो वो हमने लिख दिया कितना 90,000। अब 90 और 50 को ऐड करेंगे बेटा 140 और 90 और 50 को हम ऐड करेंगे और परचेज हो जाएगा हमारा 140। दैट मींस एडिशन आइटम भी 140 और बेटा माइनस का आइटम भी 140। तो दोनों आंसर सेम आ रहे हैं तो आंसर क्या आएगा? नील। तो इसको हम बाहर दिखा देंगे। इस तरह से हम बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। एक बार और देख लेते हैं। हमने सबसे पहले मशीनरी अकाउंट बनाया, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिखाया, हमने सोल्ड की अमाउंट दिखाई और गेन की दिखाई और बैलेंसिंग कर एक्टिविटी डेबिट दिखाने के बाद बैलेंसिंग कर दिया परचेज से। हमने परचेज दिखाया, हमने सेल दिखाया और आगे बढ़े और अगला अकाउंट बनाया पेटेंट अकाउंट। अगेन वही प्रोसेस फॉलो किया, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑन द क्रेडिट साइड। रिटर्न ऑफ की वैल्यू हमेशा क्रेडिट साइड दिखाते हैं और देखा गेन दिया हुआ है 40,000 तो लॉस तो होगा नहीं तो बैलेंसिंग होगी सोल्ड में कितने 2,00,000 था और ये 3,00,000 था बेटा और वैल्यू बैलेंसिंग की आई 90,000। 90,000 की वैल्यू हमने सेल में दिखा दी, सेल और दूसरा मशीनरी का सेल दोनों को ऐड किया जिसका आंसर आया 140 और माइनस का भी 140 तो हमारा आंसर हो गया नील। इस तरह से एक क्वेश्चन और देखते हैं। मैंने एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 27 अगेन टीएस ग्रेवाल 2020। क्वेश्चन में कहा है कि प्लांट एंड मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस है 10,00,000 और ओपनिंग बैलेंस है 8,50,000। इन्वेस्टमेंट 1,00,000 क्लोजिंग एंड 40 ओपनिंग। सिमिलरली लैंड एट कॉस्ट 1,00,000 ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस एट द 1,00,000 2,00,000 इज द ओपनिंग बैलेंस। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन दिया हुआ है बेटा हमें 50,000 का। प्लांट एंड मशीनरी की बुक वैल्यू 60,000 की बेच दी हमने कितने की 40,000 की। लैंड वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 60,000। No investment was sold during the year. इस इंफॉर्मेशन को लेके हम बनाएंगे हमारे पहले दो अकाउंट जिसका नाम है पहला प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एंड द अदर इज लैंड अकाउंट। क्यों बनाएंगे? क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन में जिस चीज की इंफॉर्मेशन दी जाती है बेटा हम उसका अकाउंट जरूर बनाते हैं। तो मैंने ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है 8,50,000 और क्लोजिंग बैलेंस लिखा हुआ है 10,00,000। अब मैं इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ती हूँ। डेप्रिसिएशन दे रखा है 50,000 तो मैंने लिखा बाय डेप्रिसिएशन 50,000 जिसकी जगह
मैंने आपको गलत साइड बताई थी। प्लांट एंड मशीनरी ऑफ बुक वैल्यू 60,000 वाज सोल्ड फॉर 40,000 बाय बैंक अकाउंट से। मैं यहाँ पर सोल्ड दिखाऊंगी बेटा, कितने का सोल्ड किया? 40,000। 60,000 की चीज अगर मैं 40 की बेचूं तो 20,000 का सीधे सीधे मुझे लॉस हो जाएगा। तो बाय लॉस ऑन सेल राइट, इनको बैलेंस करेंगे बेटा 150, 190 and 20,000। तो ये हो गया बेटा मेरा 11,10,000। 11,10,000 में से 11,10,000 में से जब मैं 8,50,000 को माइनस करूंगी तो बेटा मेरा बैलेंस हो जाएगा 2,60,000। और ये बैलेंसिंग फिगर होगी किस चीज की? टू बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में दिखाऊंगी परचेज बैलेंसिंग फिगर। इसको मैं इन्वेस्टिंग में दिखा लेती हूँ। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, कितने का सेल है बेटा हमारे पास? 40,000। और परचेज ऑफ मशीनरी ये दे रखी है हमें 2,60,000। इसको मैं माइनस में दिखा दूंगी क्योंकि परचेज हमेशा माइनस में दिखाते हैं। दूसरा अकाउंट बना रहे हैं लैंड अकाउंट, इसका मैंने ओपनिंग बैलेंस दिखाया है, क्लोजिंग दिखाया है, लाउ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में दिया है लैंड वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 60,000। तो मैंने यहाँ पर लिखा प्रॉफिट हमेशा कितना लिखते हैं बेटा हम? डेबिट साइड। टू गेन ऑन सेल कितना बेटा? 60,000। बैलेंसिंग करेंगे 260 आ जाएगा, 260 को इधर ले आएंगे और 1,60,000 का आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में दिखाएंगे सो। तो मैंने यहाँ पर प्रोसीड फ्रॉम सेल लिख दिया 1,60,000, जो कि हमारा आइटम ऐड हो जाता है। परचेज यहाँ पर है नहीं, और आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट दे रखा है इन्वेस्टमेंट। आप खुद देखिए कि जो चीज आपके पास 40,000 की थी क्लोजिंग में आपके पास 1,00,000 की हो गई, इसका मतलब आपने 60,000 की चीज परचेज की और सोल्ड है नहीं क्वेश्चन में कहीं पर भी, इसका मतलब आपने 60,000 की परचेज की है। तो लिखेंगे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 60,000 राइट, ये भी माइनस में आएगा। मैं माइनस माइनस की वैल्यू को रफ में ऐड कर लेती हूँ, तो मेरा 2,60,000 और ये आ गया बेटा 3,20,000 माइनस का, और बेटा प्लस का हो गया मेरे पास 2,00,000, प्लस का हो गया 2,00,000, तो मेरे पास वैल्यू आएगी माइनस की 1,20,000। क्योंकि मेरी वैल्यू माइनस की आ रही है तो आंसर होगा कैश फ्लो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और आंसर आएगा 1,20,000। और इस वैल्यू को मैं बाहर भी ले जाऊंगी तो इस तरह से बनेगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। एक बार और देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन देखकर। मैंने पहले प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाया, परचेज उठाई, सेल उठाई, पुट कर दिया, और दूसरा अकाउंट बनाया मैंने लैंड अकाउंट। लैंड अकाउंट बनाने के बाद मैंने उसकी सेल दिखाई, और क्योंकि परचेज नहीं थी तो केवल सेल को ऐड किया। तीसरी इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट की है, सामने से दिख रहा है कि 60,000 की इन्वेस्टमेंट हमने खरीद ली है, मैंने उसको भी दिखाया, सारी वैल्यू बैलेंस की और मेरा आंसर माइनस में आया, तो मैंने लिखा कैश फ्लो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इस तरह के और भी क्वेश्चन से हमको सॉल्व करिए। नहीं समझ में आए तो मुझे बताइए, मैं कमेंट करके आप बताएंगे, मैं उसको जरूर सॉल्व करूंगी। वीडियो समझ में आई हो, सारे पॉइंट क्लियर हो गए हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।